चलिए कुछ और खबरों को विस्तार से जानते हैं। लुधियाना के डीसी ने कल तरह की पहल करते हुए किन्नरों को उनके अधिकारों से रूबरू करवाने की मुहिम शुरू की है, जिसके तहत पूरा प्रशासनिक अमला हरकत में आ गया है और किन्नरों को उनके हक की जानकारी देने के लिए उनका नाम वोटर लिस्ट में दर्ज कराने की योजना पर जोरों से काम चल रहा है। लुधियाना के जिलाधीश डॉक्टर रवि भगत इन दिनों कोर्ट कचहरी से फुर्सत मिलते ही किन्नरों की फिक्र करने लगते हैं। जस्टिस रवि भगत चाहते हैं कि अपने अधिकारों से अनजान किन्नर समाज लोकतंत्र की ताकत को पहचाने और अपने हक को भी जाने, इसलिए जस्टिस रवि किन्नरों का नाम वोटर लिस्ट में शामिल कराने की योजना पर काम कर रहे हैं। मेरे दो मकसद हैं। पहला मकसद तो है कि मैं इन सब जो हमारे किन्नर भाई हैं इनको ये बता सकूं कि आपका वोट डालने का अधिकार है, अगर आपकी वोट्स नहीं बनी तो बना लीजिए। उसमें मैंने इनको फॉर्म नंबर 6 दिया है, इनमें से कुछ लोग थे जिनकी वोट अभी तक नहीं बनी है, उन्होंने उनको बताया गया है कि आप अपनी वोट बनाओ और अपनी वोट का उपयोग करो। जस्टिस रवि के निर्देश पर लुधियाना जिला प्रशासन के अफसर किन्नरों के डेरों पर जाकर उन्हें वोटर लिस्ट का एप्लीकेशन फॉर्म दे रहे हैं, ताकि वो भी वोट देने का अधिकार हासिल कर सकें, जिसका किन्नर समाज ने भी स्वागत किया है। जनरली देखा गया है जो ट्रांसजेंडर्स हैं उनकी इलेक्शन के टाइम में हम लोग वोट्स बनाते हैं, तो हमारी जो लुधियाना में जब हमने रिव्यू किया इसमें हार्डली 22 किन्नर हैं जिन्होंने अपनी वोट बनाई है। हम लोग ये चाहते हैं ना केवल ये लोगों का वोट बनाया जाए, इनको राइट्स के लिए अवेयर किया जाए। मैंने आज तक भी कोई किसी की सहूलत नहीं मिली, ना सानू कोई अज तक साडे शहर के जिन्ने खुसरे आ सानू असी साडा कोई जनाजा हो जाता वा असी बड़े परेशान होंगे, ना सानू एदी सफलता कोई मिलती नहीं भी असी कितने चल जाइए, साडे वास्ते कोई भी ना कोई लोन पास हो रहा साडा, ना कोई बच्चे ने साडे किसी ने वैक लैनी हो असी उन वैक तक नहीं जाने, क्यों सानू ये सफलता क्यों नहीं दिंदी सरकार। सानू बहुत अच्छी लगी है डीसी साहब की, असी डीसी साहब के बहुत बहुत धन्यवाद हैं। सानू तो बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा, उन्होंने लाख लाख शुक्रिया, लाख लाख धन्यवाद, उन्होंने बच्चे राजी रहन। भारतीय संविधान में किन्नरों को समानता का अधिकार भले ही मिला हो, लेकिन सामाजिक गतिविधियों में ज्यादातर किन्नर आगे नहीं आ पाते। इसकी बड़ी वजह इन्हें अपने मौलिक और संवैधानिक अधिकारों की जानकारी नहीं होना भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, लुधियाना।